हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रियलमी के GT नियो 2 के बारे में। और ये स्मार्टफोन ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है, बट अब ये इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की। और इसके अंदर है स्नैपड्रैगन 875G प्रोसेसर, काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेसर है। बस थोड़ा सा दिक्कत इसमें यह है कि आपको हीटिंग के इश्यूज आ सकते हैं इस प्रोसेसर के साथ। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर है 6.62 इंच की एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर कैमरा की बात करें तो इसके अंदर है 64+8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रेयर कैमरा। बाकी इसके अंदर आपको 4K वीडियो का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, आपको केवल HD क्वालिटी मिलेगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी, वो भी 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 128, 8 256 और 12 256 GB रैम एंड रोम वेरियंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 रैम रोम वेरियंट देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ में आपको 7 GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, बट कोई भी इसके अंदर मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है 28-29,000 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर प्रोज में इसका अच्छा रैम एंड रोम कॉम्बिनेशन और प्रोसेसर, और वहीं पर अगर हम कॉन्स की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे कॉन्स मुझे दिख रहे हैं। जैसे कि इसके अंदर जो कैमरा सपोर्ट दिया गया है वो प्राइस के हिसाब से मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब सा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बस 64+8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रेयर कैमरा दिया गया है। जबकि वहीं पर हम किस दूसरे स्मार्टफोन की बात करें जैसे कि सैमसंग M31S, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा क्वाड रेयर कैमरा सेटअप दिया जाता है आपको, और वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस पॉइंट पर। और वहीं पर हम और भी चीज़ों की बात करें जैसे कि यहाँ पर इसकी जो डिस्प्ले है वो केवल एमोलेड डिस्प्ले है, तो उसकी जगह पर वहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी जाती है, 4K का सपोर्ट दिया जाता है। तो इसी तरीके से मतलब आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्स है इसके अंदर। उसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी नहीं देखने को मिलता, तो आप लोग केवल मतलब इसे इसकी इनबिल्ट स्टोरेज के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।